किसानों का भविष्य बदल देने वाले जो लोग हैं, जो ये दावा करते हैं, उनको कुछ चीज़ें बताने का और दिखाने का। गांव में कहावत है कि वो वर्षा किस काम की जब फसल सूख गई हो, का वर्षा जब कृषि सुखाने। उत्तर प्रदेश में जब किसान की बात आती है तो सबसे ज़्यादा बात गन्ना किसान की होती है, सबसे ज़्यादा लड़ाई गन्ना के भुगतान की होती है। सरकारें भी खूब डफली पीटती हैं, लेकिन इसके इतर भी बहुत सारे किसान इस प्रदेश में हैं जो गन्ना की बुआई नहीं करते हैं, लेकिन उनकी ओर ध्यान कम जाता है। आज बात इसलिए हो रही है कि जो सरकारें किसानों की आय दुगना करने का, किसानों का भविष्य बदल देने का दावा करती हैं, उनकी राज में डीएपी खाद की किल्लत चल रही है। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल में इन दिनों भयंकर संकट है डीएपी खाद का, और इस पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुप्पी साधे हैं। आज एक बात और कहूंगा कि सरकार किसानों को मिनी किट बांट रही है, राई सरसों और मसूर के। लेकिन आपको मालूम होगा कि सरसों की बुआई का वक्त जा चुका है। 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक सरसों की बुआई का सीजन होता है, और आज हम दिसंबर में खड़े हैं, तो अब ऐसे समय में बीज दिए जा रहे हैं जब बुआई पूरी हो चुकी है, खेत में फसल उगना शुरू हो चुकी है। ये है हमारे कृषि मंत्री की दूरदर्शिता, जो 7 सालों से उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के मुखिया हैं और फसल चक्रों की जानकारी शायद उनको ठीक से अवसर देते नहीं हैं कि किस सीजन की फसल कौन सी होती है, किसकी बुआई का सीजन निकल गया है। तो ये मिनी किट घर में रख के क्या किसान अचार डालें, या इस मिनी किट के 2-2 किलो के इससे तेल कितना निकल आए सरसों से, कई दिन खाना बना लेंगे। यहाँ पर बात बीज विकास निगम या कृषि विभाग की भी नहीं है। ये मामला फेल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मशीनें नहीं थी। ओपीएस जो मशीनें जिन पर अंगूठा लगकर कहा गया था कि तभी देना है अंगूठा लगाने के बाद, मशीनें आने में लेट हुई, जिसके चलते मिनी किट वितरण में भी लेट हुआ। अब नवंबर में अभियान चलाया गया 12 से 15 के बीच में कि चाहे जैसे बांटो, किट बांटो, कार्यक्रम पूरा करो, फायदा और नुकसान बाद में देखा जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, दोनों पर सरकार का ध्यान आना चाहिए, क्योंकि कृषि मंत्री कोई नवधा आदमी नहीं है, नया पुराने नेता हैं, 7 साल से इसी विभाग के मिनिस्टर हैं। अभी तो राजशेखर को भी नया कृषि निदेशक बनाया गया है, 3 महीना इनको भी हो गया है, जिम्मेदारी इन लोगों की भी है। गेहूं की बुआई का भी सीजन चल रहा है, लगभग समाप्ति पर है। अब आप देखिए उन्नाव, कन्नौज, कानपुर देहात, तमाम जगहों पर लाइनें लगी हैं, बीज निगमों के गोदामों पर भी लोग जा रहे हैं, और कृषि विभाग ढपली पीट रहा है कि साहब हम सब उपलब्ध है, सब ठीक है। खाद का संकट है, वो जो खाद 1390 रुपये में मिलनी चाहिए, वो खाद 1600 से लेके 1700 रुपये में बड़ी मुश्किल से मिल रही है, यानी कि ब्लैक में मिल रही है, अधिक दाम पर मिल रही है। सहकारी समितियों में तो कई जगह पुलिस लगाकर डीएपी का वितरण कराना पड़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइवेट दुकानदारों के पास डीएपी नहीं है, जिसके चलते संकट पैदा हुआ है। इफको और किर्बको पर्याप्त डीएपी का आपूर्ति नहीं कर पा रहे किसानों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ना तो मिनिस्टर इस पर कोई बयान देते हैं, ना इस पर कोई अभियान चलाते हैं, ना इस पर कोई छापामारी या कार्रवाई करते हैं। बस किताबों में अभियान चलाकर सरकार के सामने आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो POS मशीन लगे, अपात्र को न मिले, अच्छी बात है, लेकिन जब समय से कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। कहते हैं कि बहुत देर से कोई न्याय मिलता है तो भी अन्याय की ही तरह होता है, उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जो बात न्यायपालिका पर लागू होती है, वही इस देश के किसान पर भी लागू होती है, और इस देश के किसान की आय तो हर सरकार दुगुना बढ़ाती जा रही है। पता नहीं इस प्रदेश का किसान कितना अमीर हो जाएगा, जो सरकार आती वही उसकी आय दुगुना कर देती है।
कहीं अमीर होते होते चांद तक ना पहुंच जाए किसान, इस बात का भी बहुत डर है। अब बात